हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ तुम चुप रहोगी, अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ, पहले तो मैं ना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सब क्या है बड़ी बहू, ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। आने दो रमाकांत को, सब बता दूंगी। हद ही कर दी, कैसे उछल उछल कर दहेज की बातें कर रही थी, जैसे और कोई दहेज तो देता ही नहीं। अरे हमारी बेटी होती तो हम दहेज ना देते क्या? ऐसे उछल रही थी, दहेज लाई तो क्या हुआ, ये घर खरीद लिया क्या? माँ आ गया तू बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये तो कमला के रोने की आवाज है। कमला, कमला, अरे इसे कुछ नहीं हुआ, ये नाटक कर रही है। माँ तुम चुप रहोगी, अब रोती ही रहोगी या कुछ कहोगी भी? माँ जी ने मुझे मारा, ये देखिए। देखो बेटा, देखो मेरी। अब बाकी क्या है देखने को माँ, पहले तो मैना को तंग कर रही थी और अब कमला पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने दूसरी शादी की है। देखो माँ, मुझे खुश देखना चाहती हो तो अपने व्यवहार में बदलाव लाओ और अपनी दोनों बहुओं से प्यार से पेश आओ। तुम नहीं जानती माँ कमला बीमार है, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। तुम्हें जरा सी भी बात, क्यों सासू माँ आई बात समझ में? नहीं तात्या, नहीं, ना समझ नहीं है, इंसान है तो समझदार, लेकिन अहंकार नाम का सांप जब उसे डस लेता है तो वो समझदार होकर भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है, जो कुछ कह रहा है, वही ठीक है, वैसा ही होना चाहिए। मतलब इस लक्ष्मी की तरह? ए चुप बाबा, मैं तो ऐसा कभी नहीं कहती। बच्चों, जब इंसान मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मैंने किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है तो समझ लो वो अहंकार के अधीन हो गया है।
बहक गया है। फिर उसे सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाता है बाबा? ओ मालिक, उसे सीधा करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो यही समझता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई नहीं सुन रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन मालिक तो हजारों लाखों हाथों वाला है। उसकी आंखें, उसके कान अनगिनत हैं, वो सब सुनता है। सब देखता है। उसके पास इंसान के पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा बना रहता है। वो इंसान को सुधरने का मौका भी देता है। लेकिन जब इंसान के पाप की राशि उसके पुण्य की राशि से बढ़ जाती है तो वो उसे रोकता भी है। किसे बाबा? मालिक खुद आता है। जिस पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए मालिक किसी न किसी रूप में आता है। शायद इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी देवता समान है ना बाबा? तब मालिक इंसान को उसके किए की सजा देता है और बाकियों को संकेत करता है कि अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए कहता हूं कि तुम दोनों खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो और बड़े होकर उनका सहारा बनो। वो मालिक तुम्हारा सहारा बनेगा। सबका मालिक एक। अरे बड़ी बहू, कहां मर गई तू? अरे मुझे नींद नहीं आ रही है, चला मेरे पांव दबा दे जरा। मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने इस मुसीबत से रमाकांत की शादी करवाई। ये सब क्या है बड़ी बहू? ऐसे सज धज कर मेरे पांव दबाओगी? जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज से मैना दीदी आपके पैर नहीं दबाएंगी। कहो तो सासू माँ, मैं दबा दूँ? ये तो मेरे पांव तोड़ देने की फिराक में है। अब मैं मैना दीदी पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो क्या इसे मायके भेज रही हो इतनी रात गए? नहीं, आज से दीदी अपने पति के साथ रहेंगी, अपने पति के कमरे में सोएंगी। मैं दीदी का हक छीनना नहीं चाहती। चलो दीदी, आपको किसी की नजर ना लगे, मेरी भी नहीं। दीदी, इस रात का और आने वाली हर रातों का एक भी पल गवाना अपराध है। चलिए, रमाकांत जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। बहन, तुम्हारे जैसी सौत हर औरत को मिले।
महालसपति, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध ही हमें इस जन्म में एक दूसरे से मिलाते हैं। इसीलिए तो जो अनजाना है वो हमें जाना पहचाना सा लगता है, और जाना पहचाना सा अनजाना सा लगता है। कभी कभी हम किसी ऐसे से मिलते हैं जिसे देखते ही आस्था निर्माण होती है, और कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। साईनाथ, हमारे पूर्व जन्म के संबंध ही हमारे मन में ऐसी भावनाओं का निर्माण करते हैं। सच कहा तुमने महालसपति। महालसपति आत्मा शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, लेकिन अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर ही दूसरा जन्म लेता है। ये संस्कार ही आत्मा की पहचान होती है महालसपति। मालिक की लीला भी अगाध है महालसपति, अगाध, सबका मालिक। काका जी, नाना साहब से कह देना कि आप पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। मैं बोल दूंगा बेटी, लेकिन नाना साहब मानने वाले थोड़े ही हैं। मैं ना बेटी को हम दोनों का प्यार, तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है। हमारे शरीर तो यहां होते हैं, लेकिन मन तुम्हारी ही चिंता में लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है मैना बेटी, कि बेटी को जन्म दो, पाल पोस कर उसे बड़ा करो और अपने से दूर कर दो। सुबह शाम मैं यही सोचकर रोती रहती हूं कि पता नहीं तू वहां कैसी होगी, किस हाल में होगी। हम मजबूर हैं बेटी, रोज वहां आकर हम तुमसे मिल भी नहीं सकते, और तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रख भी नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता होकर भी तुम्हारा दुख बांट नहीं सकते। साईं बाबा की बात याद रखना और सब्र से काम लेना। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी का ये पतझड़ बीतेगा और बाहर आएगी। साईं बाबा तुम पर कृपा करें, अपना ख्याल रखना। मैना बेटी, माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है, बेटी के लिए हमेशा पिघलता रहता है। चलूं? जी। बड़े ठाट से कह दिया कि नाना साहब से कहना पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। अरे तुझे नहीं है, मुझे तो है। वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरा बाप कहाँ पैसा भेजने वाला है। नाना नाना ना सासुमा, दूसरों के पैसों पे डाका डालने की ये आदत बहुत बुरी है। ये पैसे मुझे दे दो। ये पैसे मैना दीदी के हैं और मैं उन्हीं को दूंगी, आपको नहीं। तुम कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पैसे देती हो या मैना, काका जी गए? क्या हुआ माँ? क्या बताऊं बेटा, ये छोटी बहू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। नहीं जी, मैंने तो सिर्फ माँ जी से इतना कहा कि तिजोरी की चाबियां मैना दीदी को दे दे।
अब आप ही बताइए, जाने वाले की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए ना, और अभी दीदी के पास दिन ही कितने बचे हैं। अगर उनका दिल किया कि चाबियां उनकी कमर पे लटके, तो वो लटकने देनी चाहिए ना। ठीक बोल रही हो माँ, चाबी मैना को दे दो। लेकिन दे दो माँ। हर अत्याचारी अपने आप को शक्तिशाली समझता है, उसे लगता है उस पर पाबंदी लगाने वाला तो कोई है ही नहीं। अपने अहंकार में मस्त होकर वो दूसरों पर अन्याय करता रहता है, और उनका आक्रोश और आंसू देखकर वो अपनी जीत की खुशियां मनाता रहता है। इस तरह अपनी आत्मा को मलिन करते हुए परमात्मा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक सर्वशक्तिमान है। अपनी खुद की अदालत का न्यायाधीश बनकर वो ये भूल जाता है कि सर्वश्रेष्ठ अदालत तो मालिक की होती है, जिसमें हर किसी का न्याय किया जाता है। जो मालिक को भूल जाते हैं वो अपराधी हैं, कृतघ्न हैं, और उन्हें अपने अपराध का दंड मिलता है। जहां वो राजा था वहीं उसे गुलाम बनना पड़ता है। अत्याचार करने वाले को खुद अत्याचार से पीड़ित होना पड़ता है। दूसरों को बेबस और लाचार बनाने वालों को खुद बेबस और लाचार बनना पड़ता है। दूसरों को आक्रोश करते देख, आंसू बहाते देख, खुश होने वाले को खुद आंसू बहाने पड़ते हैं। और जब वो आक्रोश करता है तो उसके आक्रोश की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। उस निर्दयी पर कोई दया नहीं दिखाता। जब उसका अहंकार, उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है, तब उसे मालिक की याद आती है, और अपनी गलतियों के लिए वो मालिक से दया की भीख मांगता है। लेकिन इंसान ऐसा अपराध करता ही क्यों है? क्यों दूसरों को पीड़ा देता है? क्यों अत्याचार करता है? क्यों भूल जाता है कि हम सब उसी मालिक के अंश हैं? हमें दूसरों के आंसू पोंछने चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो मालिक को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी तपस्या की जरूरत नहीं होगी। मालिक खुद ब खुद प्रसन्न होगा और हमारा उद्धार करेगा। इसलिए कहता हूं, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला